सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। सुबह सवेरे से शुरू हुआ किसानों का धरना शाम को 4 बजे जाकर समाप्त हुआ। किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लाने की मांग को लेकर तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा की अध्यक्षता में इकौना बलरामपुर मार्ग पर जाम किया गया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर उन्हें जगत जीत कार्य में पहुंचाया गया था, जहां पर शाम को एडीएम, एएसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर किसानों ने अपना कार्यक्रम समाप्त किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना इलाके के जगत जीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसान लगातार कई घंटों तक आंदोलनरत रहे, लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंप कर अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हुए अपने कार्यक्रम का समापन किया। इकौना इलाके में हजारों किसानों ने आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां पर चक्का जाम से लेकर प्रदर्शन सभी चीज़ें एक साथ की गई। किसी भी हाल में किसान विरोधी बिल को वापस कराने की मांग ही है। एक चीज जरूर बता दीजिएगा, सब कायदे खबर में जाएंगे, रोड पे एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके, धीरे धीरे करके इनको आप चले जाएंगे। लोग तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इससे बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, जिसके लिए आप सब लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। हमारे बीच में आदरणीय एडीएम साहब उपस्थित हैं, हमारे हमारे किसानों के गिरफ्तारी के साथ जो भी कार्यक्रम होगा। जी, 500 तो आपने गिलास मंगवाया था, वो खत्म हो गया। अरे 700 जी, यहाँ पर तो संख्या घोषित कर दिया था, बहुत नष्ट। अरे देख ही रहे, सब देख ही रहे हैं, ये सब देख ही रहे हैं, 1000 आदमी हैं। चलो जितना आप कह रहे हैं उतना मान लें। रोड पे थे तो आप लोगों से अनुरोध करते हैं, वहाँ से रोड अगर आप बैठते हैं तो आम जनता को भी, जिसमें आपके भी दिक्कत है, आपके भी समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों का दिक्कत है, तो आप लोगों से अनुरोध किया गया, उस अनुरोध को आपने स्वीकार किया और यहाँ पे जगह की सेंट्रल कॉलेज है लगभग 1000 की संख्या में, और इस समय आप जो भी ज्ञापन देंगे उसको सरकार से शासन तक अनुरोध। गिरफ्तारी की संख्या बताइए सर, 1000 बता दिए तो 1000 की। हाँ हाँ ठीक। सरकार के द्वारा किसान के विरोधी 3 बिल जो लोकसभा में पारित किए गए, भारत का पूरा पूरा किसान इससे आंदोलित है, और हम लोग इस किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग को लेकर बलरामपुर बहराइच हाईवे को 10 बजे हम लोगों ने जाम किया। पुलिस प्रशासन और जिले के आला अधिकारियों के द्वारा हम लोगों को ज़बरदस्ती वहां से उठाकर जगतजीत इंटर कॉलेज में ला के रखा गया। 1000 की संख्या में लगभग हमारे साथ किसान थे, सबको यहां पे गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अब 4 बजे ये हम लोगों को यहां से रिहा किया गया है। अब ये धरना आज यहां समाप्त होता है। आगे आने वाले समय में हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिस तरह से कार्यक्रम आएंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक ये सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, किसान को MSP पे गारंटी का कानून नहीं बनाती है, भारत का किसान आंदोलन जारी रखेगा। या तो ये सरकार बिल वापस लेगी, या तो इसकी कब्र खोद के इसको समाप्त करने का काम किया जाएगा, तभी आंदोलन समाप्त होगा।